हाँ हो गया इंस्टॉल. हाँ ये ना हो रहा है अभी. ये वाला जय हिंद. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद जय हिंद. आइए सामने आइए 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 यहाँ लाइन लगाइए. क्या हुआ मैडम सर? आइए तो. पिल्लू आप भी. हाँ मैडम सर. मैं अब आप सब अपना अपना फोन इस डब्बे में डालिए. नहीं नहीं मैडम सर, फोन रखने के लिए तो हमारी यूनिफॉर्म में जेब है, तो फिर डब्बे में रखने की क्या जरूरत. उफ, ये मोबाइल. मैडम सर मोबाइल डालिए. फिर भी डालिए डालिए डालिए. मोबाइल फोन एक दूसरे से बात करने के लिए बना है, लेकिन आजकल इस फोन के चक्कर में हम एक दूसरे से ही बात नहीं करते, पूरा टाइम फोन में बिजी रहते हैं. इसलिए हमने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन हम सब फोन व्रत रखेंगे. फोन व्रत? जिस दिन ये फोन व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह आएंगे, आप डब्बे में अपना फोन रखेंगे, ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद अपना फोन लेंगे और घर जाएंगे. और इसके बीच कोई फोन के बारे में सोचेगा भी नहीं. क्लियर? क्लियर मैडम. मैडम सर बिलौटू का फोन रह गया. आओ आओ आओ. जाओ ना दो ना जाओ. बस पक्का? हाँ. चीता है? इन सारे फोन्स को एक डब्बे में डाल के अंदर रूम में रख दो. ठीक मैडम सर. हाँ जी. महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर. कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैडम जी अमीनाबाद में टाइगर आ गया है. क्या? हाँ तो उसकी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आया होगा ना. वैसे हमें भी टाइगर बहुत पसंद है. क्या काम किया ना उसने बागी फिल्म में. अरे मैडम जी वो टाइगर नहीं, जंगल वाला टाइगर, रियल वाला शेर, वो आ गया है. क्या अमीनाबाद में बाघ आया है? पुष्पा जी फोन दीजिए, फोन दीजिए, फोन दीजिए. हेलो जी बोलिए. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. क्या हुआ मैडम? ब्रेकिंग न्यूज, अमीनाबाद में घुसा है एक टाइगर जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. आसपास से खबरें मिली हैं कि कुछ लोकल लोगों पे भी उस टाइगर ने हमला कर दिया है. लोगों का मानना है कि जब से नवाब साहब ने अपनी जमीन बिल्डर को दी है तब से बिल्डर ने आसपास के सारे जंगल कटवा दिए हैं, जिसकी वजह से वो जंगली जानवर शहर में घुस आए हैं. अरे यार रिपोर्टर, शेर तेरी तरफ आ रहा है. दर्शकों जैसा कि आप तो शेर है बिल्कुल मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप सब याद रखना कि ये न्यूज सबसे पहले मैंने आपको दी थी, इसलिए आप सबके लिए आखिरी बार ब्रेकिंग न्यूज. अरे चट्टा, चलिए 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 करिश्मा सिंह जल्दी चलिए. आप अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना. पुष्पा जी आप भी ध्यान रखना. भाई साहब भाई साहब, टाइगर कहाँ है? उस तरफ गया मैडम. मैडम सर उस शेर ने मुझ पे भी हमला किया था. क्या? मैं तो बाल बाल बच गया पर मेरा कैमरा नहीं बचा. क्या हुआ नवाब साहब आप यहाँ? हमारी अनारों को बचा लीजिए, वो टाइगर उसे उठा के ले गया है. जल्दी से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को कॉल कीजिए और ये सारे लोगों को हटाइए यहाँ से. बोलिए जाए यहाँ से, ये सेफ नहीं है. जल्दी जल्दी जल्दी. शांत शांत रिलैक्स हो जाइए. ये बताइए कि अनारो आपकी बेगम है या बेटी? लाहौर का कुबत. अरे अनारो ना हमारी बीबी है ना हमारी बेटी, मतलब माशूक है. अरे बकरी है बकरी. अरे जिसे वो कंजर्व टाइगर उठा के ले गया है, हमारी प्यारी बकरी. बकरा है जी, बकरा नहीं बकरी है. नवाब साहब वो टाइगर आपकी बकरी को जबड़े में दबोच के उधर गली में लेके गया, उधर दीवार के पीछे. अरे नवाब साहब संभालिए संभालिए संभालिए.
हसीना मैडम, आप हमारी अनारों को बचा लीजिए उस जालिम से। घबराई मत, कुछ नहीं मैडम, मैडम मेरे बच्चे को बचा लीजिए मैडम, मेरा बच्चा भी वो गली में खेल रहा था मैडम, बचा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, रेस्क्यू टीम का इंतजार हम नहीं कर सकते, हमें खुद जाना होगा। मैडम सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, वहाँ बहुत खतरा है। ये सब हमने पुलिस की वर्दी पहनने से पहले ही सोच लिया। चलिए मैडम। अरे हमारी बकरी उस जालिम के जबड़े में फंसी हुई है। बच जाएगा बकरा तुम्हारा। अरे बकरा नहीं, बकरी। याद रखिए, ये गन सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, हमें किसी भी कीमत पर टाइगर पे गोली नहीं चलानी है। यस यस ओके ठीक है। अनारो, अनारो। आराम से, आराम से। करिश्मा सिंह, आप जिस तरह से अपना भौकाल दिखाने के लिए चिल्लाती है ना, एक बार वैसे चिल्लाइए। नहीं मैडम सर, इस बार आपका जज्बात काम आएगा। क्या है, जज्बात से आपने इतने लोगों को सुधार दिया, तो जज्बात से आप इस शेर को तो सुधार ही देंगी। आप कीजिए। ये बाघ और बकरी की आवाज आना बंद क्यों हो गई? क्या करें, बच्चा कहाँ है? मेरी बकरी। करिश्मा सिंह, आप पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं, चढ़कर देखिए उस तरफ क्या हो रहा है। नहीं, हम दिन में फटाक से चढ़ जाते हैं, रात को हमारा आंखों का रोशनी ठीक नहीं है, हमारा पैर फिसल जाएगा, आप देखिए। हटिए फिर। दीवार की उस तरफ नहीं है। अच्छा। मम्मी, मुन्ना, मुन्ना। थैंक गॉड। मैडम सर जी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये रस्सी ले रहा हूं, यही रस्सी पहनाई थी मैंने अनारों को, मेरी अनारों को खा गया वो जालिम। अरे मैं बिना अनारों के कैसे जी पाऊंगा। अनारों, मैं कसम खाता हूं इस टाइगर को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी। ओहो। हाँ हाँ पुष्पा जी, ये वही फाइल है ना जो आप ढूंढ रही थी? ओहो हो। हाँ हाँ यही फाइल है, थैंक यू संतु। ओहो हो। क्या हुआ चीते? पुष्पा जी, पुष्पा जी, शेर ना नवाब की बकरी अनारों को खा गया है, हाँ फरार अब तक नहीं मिला। क्या, नवाब जी की बकरी खा गया शेर? ओहो पुष्पा जी, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करते हैं, सारे दरवाजे बंद कर देते, अगर शेर थाने में आ गया, हम पे हमला कर दिया, हाथ पैर तोड़ के चला गया तो? संतु जी प्लीज प्लीज प्लीज, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम लोग का जान मार दे, हम लोग को फाड़ के खा जाए। ओहो, तो फिर ये तो शेर के लिए शुभ हो गया ना, हमारे लिए कैसे? पुष्पा जी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा संतोष जी, आपको हम है ना यहाँ पर। अरे हटा सावन की घटा, कुछ नहीं हो सकता संतोष जी आपको, टाइगर और आपके बीच में हम है। बिल्लू द स्पाई। टाइगर से क्या डरना है? टाइगर से क्या डरना है? ये आदमी देखिए, इसका शक्ल देखिए एक बार,
कॉकरोच के मूंछ पर गलती से एक बार इसे पैर पड़ जाता है तो 26-26 घंटा तक यहाँ पर कूदता रहता है। हम इसको नीचे उतारते हैं, टाइगर से क्या डरना है। अरे चीता कॉकरोच का लेवल एकदम नीचा, चिल्लार। टाइगर का लेवल एकदम ऐसा मेरे सामने एकदम टक्कर का टक्कर। अरे टाइगर मुझे देख कर ना एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, ऐसा श्रिंक हो जाता है। बताइए। मैं एक गांव का किस्सा सुना तो इधर 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 क्या हुआ। एक बार मैं सिर्फ 12 साल का था, 12 साल का बस, और तभी एक टाइगर ने हमारे गांव के लोगों पर हमला किया। सब चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू 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 बिल्लू। मैं तो स्कूल में था, लौट के आया तो पता चला टाइगर ने हमला किया है। तब मैं सोचा कि एक गांव में दो टाइगर कैसे हो सकते हैं। एक मिनट, दूसरा टाइगर कहां से आया? अभी तुम बोले ना कि गांव में एक ही टाइगर था। दूसरा टाइगर हम जीते, हम। और तू ना अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वाइल्ड लाइफ वाले को बोल। कहानी 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 कहानी। उस रात टाइगर मेरे सामने आया, मैं उसके सामने आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। बिल्लू जी, इतने रात को टाइगर आपको देख पा रहा था? संतोष जी डिस्टर्ब मत करो। हाँ, टाइगर को। संतोष जी प्लीज। ओके ओके कंटिन्यू। तो कहा था मैं, टाइगर मुझे घूर रहा था, मैं टाइगर को घूर रहा था, यो घुर्रा घुर्री चल रही थी, तभी अचानक टाइगर देखिए, टाइगर टाइगर। अरे डरने वाली कोई बात नहीं, ये हमारे फोन का रिंगटोन है, लगता है हमें किसी ने याद किया। हाँ नहीं, लेकिन आपको याद है ना आज फोन व्रत है, आप उठा नहीं सकती। अरे एक फोन उठाना मतलब व्रत वाले दिन एक अंगूर खाने जैसा है, अगर हमने फोन नहीं उठाया ना तो बेमतलब की काटापिटी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे किसका फोन आ रहा होगा आपको? हमारे दर्जी का। अरे यूं गए यूं आए, कुछ नहीं होता। एक फोन। अरे अगर टाइगर मेरे सामने आके भाग ना गया ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ ठीक है गोवर्धन प्रसाद। ये क्या है, तुम्हारा नया नाम सोच रहे, कैसा लगा ये वाला? टाइगर के सामने था मैं, टाइगर मेरे सामने, मैं टाइगर के सामने। टाइगर ने एक कदम आगे बढ़ाया, कदम पीछे, फिर टाइगर धीरे धीरे चलता गया और उसने ये ऐसी पूंछ उठाई और लहराई। वो डर गया मुझे देख के, बिल्ली बन गई इसकी, रोज चलते 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 से जंगल में भाग गया। हाँ मास्टर जी, हम ना थोड़े अभी पतले हो गए हैं। हाँ हाँ हो गए हैं, इसलिए वो फिटिंग जो है ना पैंट का। राम 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 राम। हे भोलेनाथ भोलेनाथ भोले, लल्ला के पापा, लगता है बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। रिंगटोन पुष्पा जी की, हे इन बिल्ली बड़ी हो गई। टाइगर आया है और असली का टाइगर गया इधर से बिलोटे। टाइगर
मैं कर सकता हूँ, मैं अपने पिंजरे में बंद हो सकता हूँ। नहीं नहीं, वो आप एक्सपीरियंस है ना, और कोई जाने को एक्सपीरियंस नहीं। बिल्ली नहीं 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 नहीं, झूठ कहो, अब झूठ मत बोलो। तुम ही कहे थे ना शेर तुमको देख के भीगी बिल्ली बन गया था, वो आया है तुमसे मिलने के लिए, नाराज मत करो, चलो मिलो उसको। उस वक्त मैं 12 साल का था, अभी मैं बड़ा हो गया, मुझे समझ आ गई है। अभी 60 साल की हो, 4-5 शेर संभाल लोगे। चलो चलो चलो, इतने टाइम से मैं चीता को नहीं भगा पाया, उस टाइगर को कैसे भगाऊंगा। चल मिलाते जाना, मैं औरतों से लड़ता नहीं, औरत से लड़ना भी नहीं है। टाइगर बैठा हुआ है, उससे लड़ना, जाओ ना यार, जाओ ना। लेकिन ये टाइगर फीमेल भी हो सकता है ना, देखो जानवर हो या इंसान, मैं भेदभाव नहीं करता। कैसा 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 एकदम हमारा टाइप घूम रहा है, मर्द है, मेल है, जाओ बिलौटे, जाओ जाओ, वीरता दिखा कर, जाओ ना यार। इग्नोर इग्नोर कर दो, देखो आज मेरा व्रत है। अरे नहीं नहीं, हो सकता है ना उसका भी व्रत है, तो आपको कुछ नहीं करेगा। संतोष जी, मेरी माँ का फोन आने वाला है। तो अच्छी बात है, फोन भी अंदर ही है। ये मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं मैडम सर। बिल्ला, कहो क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ऐसे क्यों तुम लोग, और ये क्यों खड़े खड़े कांप रहा है? मैडम सर का बैठे बैठे कांपे कहा, अरे कांप ही क्यों रहे हो बिल्लू, क्या हुआ? मैडम मैडम, टाइगर के डर से कांप रहा है। हाँ तो डर भगाने के लिए बुलाया ना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, बुलाया है ना, आ रही है ना बचाने। मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए, जब तक वाइल्ड लाइफ आएगा ना तब तक टाइगर हम लोग को डिनर समझ के खा जाएगा मैडम सर। ये टाइगर मतलब क्या चीता, साफ साफ बोलो। मैडम सर, थाने में टाइगर घुस आया है। मैडम सर, मैडम सर उधर ना जिम रूम में बैठा हुआ है, डिनर के पहले वाला वर्कआउट कर रहा है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भाग चलो। नहीं मैडम सर सुनिए, लेकिन वो सब बाद में, लेकिन लेकिन बात चलो चलो चलो, दरवाजा बंद करो जल्दी। संतोष जी सॉरी, बहुत ज्यादा मासूम है आप संतोष जी। अभी हमारी उम्र ही क्या है। मैडम सर सुनिए प्लीज। हाँ 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 बताओ। पुष्पा जी। क्या पुष्पा जी? पुष्पा जी जिम रूम में। हमारा तो ये पहले क्यों नहीं बताया संतु? मैडम सर ने नहीं बताने दिया। अरे यार रेस्क्यू टीम को फोन लगाओ जल्दी। आज फोन व्रत है, अब वो भी फोन भी अंदर है। अरे आप ही बोली क्या करें? मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम, वो टाइगर मिला का टाइगर। तुम्हारा फोन दो जल्दी, फोन दो। फोन फोन ओके जल्दी फोन करिए, चलो चलो। इसको क्या हुआ, ये क्या हुआ तुझे, क्या डर गया क्या? हेलो, हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, टाइगर पुलिस थाना के अंदर है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। देखिए मैडम, हम रास्ते में हैं, अभी आप ही ने हमें फोन करके शहर के दूसरे कोने में बुलवाया है। अब यहाँ से वापस आने में मैडम कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप थाने के आसपास किसी को भी जाने मत दीजिएगा, ठीक है? कहाँ हो संतु जी? उनको आने में और 2 घंटे लगेंगे। कहाँ? ये पुष्पा जी भी ना, जब फोन व्रत था तो का जरूरत था अंदर जाने का, खुद
तो मरेंगी, हमको भी मरवाएंगी। आप ही की सासू माँ हैं, चाहिए बचाइए अब उन्हें। आपकी सासू माँ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, आपकी भी तो जूनियर है ना, तो आप बचाइए फिर हम बचाएंगे। बिल्ली की आवाज कैसे आ रही है? ये पुष्पा जी का रिंगटोन है, उनका फोन बज रहा है। पुष्पा जी का फोन अलमारी के ऊपर छूट गया। ये टाइगर उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, पुष्पा जी देखिए, हम और करिश्मा सिंह हैं यहाँ आपको बचाने के लिए, आप डरिए मत। अभी थोड़ी देर में आपका मोबाइल फोन फिर से बजेगा और वो टाइगर आपके फोन को बिल्ली समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तब तक आप तुरंत संभलते हुए टाइगर के पीछे से भागकर यहाँ आ जाइए। हम हैं, यहाँ बाहर खड़े हैं, ठीक है? अगर आपको हमारी बातें सुनाई दे रही है तो आप अपना दुपट्टा हिला दीजिए। लैंडलाइन से फोन करिए पुष्पा जी के फोन पर। जाइए जाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.